नेम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप ने आपको पुरुषार्थ की विभिन्न विधियां बताई हैं जो आपको ही करनी पड़ेंगी। यह समय जो कल्प का अंतिम समय जा रहा है, तो हिसाब किताब कमी कमजोरी सब बाहर निकल कर आ रही हैं। इसलिए इस पर ज्यादा विचार ना कर विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। आप हो विघ्न विनाशक बच्चे, सारी विश्व की आत्माओं के विघ्न हरने वाले, सारी विश्व की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले मास्टर भगवान। इस तरह अपने विभिन्न ऊंच से ऊंच स्वमान में स्थित हो पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाओ, जिससे आपका, आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं का और फिर विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो। यह पुरुषार्थ आपको धैर्यता पूर्वक करना ही पड़ेगा। ज्यादा सोचने से या क्या क्यों कैसे में जाने से कुछ नहीं होगा। बस आत्मा भारी हो जाएगी और अपनी सीट से उतर मांगने वालों की लाइन में लगना पड़ेगा। देवता की जगह लेवता बनना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ की विभिन्न विधियों में स्वयं को बिजी रखो। परमात्मा बाप के साथ का यूज करो। हल्के और खुश रहे, उमंग उत्साह के साथ पुरुषार्थ करो। दुनिया में तो दुखों की अति अर्थात दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। उससे पहले दुख हरता सुख करता बन अर्थात शिव बाप की उंगली पकड़ ऊंची स्थिति में स्थित हो विश्व कल्याण का कार्य करो। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.